Good morning everyone and welcome to Nav Bharati family. So our today's chapter is chapter number 2, Children at Work. Alright, हमने first chapter पढ़ लिया था how the camel got his hump और second chapter है हमारा Children at Work for class 10th. Before you read, there are many reasons why children have to work. Some help your family make a livelihood. इस चैप्टर में जो चीज़ मैं बता रखी है वो पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि काफ़ी रीजंस होते हैं जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे होते हैं उनको अपने घर के लिए काम करना पड़ता है, अपने घर में लाइवलीहुड के लिए पैसे कमाने के लिए बच्चों को काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती है. अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर से खुश नहीं होते हैं, उनको इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होता है, और कुछ इन्हीं चीज़ों की वजह से वो घर से भाग जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं. दो तरह के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे काम इसलिए करते हैं ताकि वो अपना घर चला सके, और कुछ बच्चे इसलिए घर से भाग जाते हैं, इसलिए घर से दूर हो जाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, ठीक है, या फिर उनके घर में कोई लड़ाई वगैरह हो गई तो उस चीज़ से भी फ्रस्ट्रेट होकर वो लोग घर से चले जाते हैं. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. बिल्कुल सही बात है. जो बच्चे मतलब बच्चों की जो एज होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन वही बच्चे अगर बचपन में काम करना शुरू कर देंगे तो उनके ना उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब होता है, ना उनको खेलने से मतलब होता है, ना वो खेल चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, बट वो लोग नहीं कर पाते मैनेज, क्योंकि उनको सिर्फ उनका जो मोटिव होता है वो होता है कि पैसे कमाना, ठीक है. तो आज हम इसी बारे में कुछ पढ़ेंगे, एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो अपने घर से भाग जाता है. रीज़न क्या है, फिर वो कैसे सफ़र करता है, वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. एक लड़का है उसका नाम है वेलू, 11 साल का लड़का है, वो अपने घर से भाग जाता है. ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. ट्रेन में क्योंकि उसके पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो चेन्नई के लिए जो ट्रेन जा रही है उसमें बैठने के लिए वो काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता है, क्योंकि उसको कुछ समझ में आता नहीं है कि मैं क्या करूं, उसके पास पैसे वगैरह है नहीं, तो वो बिना टिकट के ट्रेन में बैठना चाहता है. टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल भूखा, ना उसके पास कुछ खाने के लिए है, ना उसे पता है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है. फिर उसको एक स्ट्रेंजर मिलती है, एक लड़की मिलती है स्ट्रेंजर, जो उसकी हेल्प करती है. Shouts a word of welcome, मतलब उसकी help करती है, ठीक है. So let's start. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. फिर जब कन्याकुमारी की जो ट्रेन होती है वो चेन्नई जैसे ही रुकती है, तो वेलू को थोड़ा टाइम लगता है उतरने में, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज होता है, ही हैज़ नो आइडिया व्हाट टू डू. लेकिन फाइनली जब वो प्लेटफॉर्म पे उतर जाता है तो उसके पैर बहुत वॉबली फील करता है. वॉबली मतलब वीक और अनस्टेडी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, मतलब वो बहुत थक जाता है. तो ऐसा होता है ना कि हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं फिर उतरते, हमारा पैर सो जाता है अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो. ये चीज़ वेलू के साथ होती है बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस, थकान की वजह से उससे चला नहीं जाता, उसके पैर है वो अच्छे से हिल नहीं पाते हैं, ठीक है. लेकिन उसको ऐसे लगता है कि वो अभी भी ट्रेन में, वो प्लेटफॉर्म पे उतर चुका है, बट फिर भी उसको ऐसे लग रहा है कि वो ट्रेन में है. ओए आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. अब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं. पोर्टर मतलब जो कूली होता है ना, जो सामान उठाता है फॉर अर्निंग, उसको हम बोलते हैं पोर्टर, ठीक है. यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ. अ पर्सन कैरी, जो लगेज उठाता है ना लोगों का,
Wait a second. Let me just. A person who carry luggage. ठीक है, अ पर्सन हु कैरी लगेज फॉर अर्निंग. तो वही बस, तो जैसे ट्रेन से उतर जाता है प्लेटफॉर्म पे, वो बिल्कुल खड़ा रहता है, साइड में से पोर्टर्स आ रहे हैं, उसको बोल रहे ओए मेरे रास्ते से हट जा. ठीक है ना, वेलो जम्प्ट असाइड. वेलो जैसे वो जो पोर्टर्स को बोलते हैं ओए मेरे रास्ते से हट जा, तो वेलो है वो साइड में कूद जाता है फटाफट से. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. फिर वो प्लेटफॉर्म पे जो बेंच होती है वहाँ बैठ जाता है, और उसका जो छोटा सा बंडल, मतलब छोटी सी पोटली है उसके पास. उस पोटली में उसका थोड़ा सा सामान है, शर्ट कॉम वगैरह, और वो पोटली साइड में रख देता है और वो बेंच पे बैठ जाता है. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. 11 साल में उसने इतनी भीड़ भड़क कम, इतने सारे लोग कभी देखे ही नहीं. बस एक बार देखे थे जब वो मेले में गया था, वो चीज़ तो अच्छी थी, वॉज एंजॉइंग दैट. बट सडनली इतने सारे लोग एक साथ देखना, और हम किसी को जानते नहीं हैं, हम बैठे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये चीज़ वेलू को बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही थी. ठीक है, पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इन टू हिम एंड देयर सूटकेस, अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन लाउड स्पीकर. नेवर नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. द नॉइज वॉज टेरेबल. जो प्लेटफॉर्म पर हरकतें हो रही थी उन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि लोग उसके आस पास से आ रहे थे, जा रहे थे. अब वो खड़ा है, लोग खड़ा है, बैठा है, बहुत ज़्यादा रश होता है, किसी का हाथ उसके लग रहा है, किसी का सूट केस वेलू के लग रहा है. ठीक है, और काफ़ी लाउड स्पीकर जो होता है प्लेटफॉर्म पर, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं. ठीक है, नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज, उसी के पास में बहुत सारे लोगों का ग्रुप अपना सामान लेके बैठा है, सामान पे बैठा है, और जो टीवी लग रहा है ना रूफ पे उसको देख रहा है, टीवी देख रहे हैं. द नॉइज़ वॉज टेरेबल, जो नॉइज़ थी वो बहुत खतरनाक थी. टेरेबल मतलब खतरनाक. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग माइजरेबल. माइजरेबल मतलब अनहैप्पी. Or we can say sad. Sad. All right. So Velo put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. Velo ने क्या करा? अपना सर घुटनों पे रख लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी था, miserable feel था, exhausted, वो बहुत थक चुका था. ठीक है? He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. 2 din से वो अपने गांव से भागा हुआ है, और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है सिवाय कुछ मूंगफली के और जैगरी. मतलब गुड़ होता है ना, गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलता है. गुड़ का पीस और थोड़ी सी मूंगफली ही उसने खाई, और वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. 2 दिन से उसने अच्छे से खाना नहीं खाया है. इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट अ टॉवल अ कॉम. और उसके पास जो बंडल, उसकी जो पोटली ना, उसमें बस एक शर्ट है, एक ताल है और एक कोम्ब है. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन चेन्नई. ठीक है, फर्स्ट डे कानूर से, कानूर कर्नाटक में एक प्लेस का नाम है, कानूर से लेकर वो फिर चेन्नई पहुंचा. चेन्नई के लिए उसने ट्रेन पकड़ी. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट्स. वेलू के पास कोई पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, बट लकीली उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो टिकट कलेक्टर होता है ना वो ट्रेन में नहीं आया. अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट जो होता है ना, वहाँ पे कोई भी टिकट कलेक्टर नहीं आया. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और गेट के पास जो फ्लोर होता है ना ट्रेन में, वहाँ पे उसने सोने की कोशिश करी. अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट्स. वही ट्रेनों में क्या होता है, काफ़ी लोग कार्ड्स खेल रहे थे, चिल्ला रहे थे. ठीक है,
Hey, what new to town, huh? Called out a rough voice. अब जब वो सो रहा था, वो बैठा था ना बेंच पे, तो एक आवाज उसके पास आती है, क्या तुम टाउन में नए हो? Well, he opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. जब उसको जब वो हेड डाउन करके बैठा था, उसको सडनली आवाज आती है कि हे, क्या तुम इस टाउन में नए हो? तो फिर वो जब आंखें खोल के देखता है तो कुछ नहीं दिखता उसको, बस काफी लोग खड़े हैं और कोई भी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है. ठीक है, हेयर ए. अब वो जो लड़की है ना, वो लड़की उसको बोलती है इधर, इशारा करती है, मैं इधर बात कर रही हूँ. ठीक है, ही टर्न अराउंड, बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान. What happened to this? Wearing a long banyan and brownish, and she had a huge sack off one shoulder. फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, जब वो लड़की उसको इशारे से बुलाती है, पीछे मुड़ के देखता है कि एक लड़की उसके पीछे खड़ी है, उसी की एज की, और उस लड़की ने फटी हुई सी बनियान पहन रखी है. Everybody know what does बनियान means? That came down, जो कि उसकी नीज तक, घुटनों तक लंबी उसने बनियान पहन रखी है. उसके जो बाल हैं बहुत हार्ड हैं और बहुत ब्राउन है, ब्राउनिश है. उसके पास बैक पे बोरी सेक, सेक मतलब क्या होता है, दिस थिंग जो पीछे उसके, और वी कैन से बोरी जो बोलते हैं ना, उसने अपने शोल्डर पे लगा रखी है. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम. वो क्या कर रही थी, जो सैक थी उसके पीछे, वो उसमें वही मतलब कूड़ा उठा रही थी, इन शॉर्ट. ठीक है, वो जो लड़की है वो अपने जो पीछे उसके सैक है ना, उसके अंदर कूड़ा वगैरह उठाती है, प्लास्टिक्स वगैरह उठाती है फॉर अर्निंग्स. व्हाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू. अब वैल्यू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है. एंड व्हाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और वो ये सोच रहा था कि लड़की बनियान क्यों पहन रखी है, एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है. नो नीड टू से स्टूपिडली व्हाट्स योर नेम. फिर लड़की उसको बोलती है, पागलों की तरह मुझे देखने की घूरने की जरूरत नहीं है. स्टेयर मतलब होता है घूरना. तुम्हारा नाम क्या है, लड़की वेलू से पूछती है. वेलू अटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, थोड़ा हेजिटेट हो गया, थोड़ा नर्वस हो गया था, एकदम से कोई आके स्ट्रेंजर बात कर रहा है. जब उसने नाम पूछा तो उसने इधर उधर देखते हुए अपना नाम वेलू बताया. ठीक है, सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम. जैसे वो बोलती है वेलू को, सो मिस्टर वेलू, अब उसका ध्यान बंडल पे गया, उसको समझ में आ गया कि ये लड़का तो घर से भागा हुआ है. तो उसको बोलती है कि अच्छा, आप घर से भागे हुए हो. ठीक है, वेलू डिडंट आंसर, ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंजर गर्ल व्हाट ही हैड डन. ही हैड रन अवे बिकॉज़ ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. वेलू ने आंसर नहीं दिया क्योंकि वो किसी स्ट्रेंजर को ये नहीं बताना चाहता था कि वो अपने घर से क्यों भागा है, उसने क्या ऐसा करा है कि उसको घर से भागना पड़ा. वो वैसे अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा मारते थे और वो नहीं चाहता था कि उसके पापा उसको और मारे, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो घर से भाग गया. हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक. उसके जो पापा थे, तो वैल्यू और उसकी बहनें जितना भी पैसा कमाती थी ना, तो उसके पापा सारे बच्चों से पैसे स्नैच मतलब छीन लेते थे और जाके शराब पी के आ जाते थे. तो वही शराब पी के आ गए तो वो उनको मारते थे. इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके जो वैल्यू है उसने अपना घर छोड़ दिया और भाग के वो चेन्नई आ गया. डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर बिकॉज बिकम रिच. अब वो लड़की है वो वैल्यू को बोलती है, तुम ये चीज़ मत सोचना कि मैं नहीं जानती हूँ, ये जो जगह है ना तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं यहाँ पे. ठीक है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अमीर बनने आए हो? ये लाइन वो लड़की वेलू को बोलती है. शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. फिर बेंच पे वो वेलू के बगल में बैठ जाती है और वेलू थोड़ा सा ना स्लाइटली साइड हो जाता है. ठीक है, ही फेल्ट हंगर पिंचिंग
him and pressed his stomach with a grimace. Hungry, ask the good. You will not get food by sitting here glumly, making faces. I can find some if you want. So guys, he felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. वही उसको बहुत उसने दो दिन से कुछ खाया नहीं था, बस उसने मूंगफली और गुड़ ही खाया था, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वो अपना पेट दबा रहा था. और ग्रीमेस मतलब क्या होता है? मेकिंग अगली एक्सप्रेशंस, अगली एक्सप्रेशंस. अरे भूख लगने पर हम कैसी शक्ल बना लेते हैं? तो वही शक्ल वेलू बना रहा था. ग्रीमेस मतलब सड़ी हुई सी शक्ल बनाना, इन शॉर्ट बिकॉज ऑफ हंगर. ठीक है, अब लड़की उसको बोलती है हंगरी, भूख लग रही है. यू विल नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली. ग्लमली मतलब अनहैप्पी वे, दुखी, दुखी बैठना. ग्लमली मतलब होता है दुखी बैठना. ठीक है, तो वो जो लड़की है उसको बोलती है कि यहाँ पे ऐसे दुखी बैठे रहने से तुमको खाना नहीं मिलने वाला. मेकिंग फेसेस, दुखी बैठना, शक्लें बनाने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, मैं ढूंढ सकती हूँ तुम्हारे लिए अगर तुम चाहो तो. देखते हैं आगे क्या होता है, वो ढूंढती है या नहीं ढूंढती है. She picked up her sack and started to walk away. जब उसको भूख लग रही थी तो जो लड़की थी ना उसने बोला था कि है ना मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो. तो फिर ये बोल के उस लड़की ने अपनी बोरी उठाई और वो वहाँ से चल पड़ी. वेलू स्टेड ऑन द बेंच. वॉट शुड ही डू? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? वेलू तो बेंच पे बैठा हुआ था, उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए? Where was she going to take him? वो उसको कहाँ लेके जाने वाली थी? She was disappearing into the crowd. जैसे जैसे वो जा रही थी, वो जो crowd था ना उनके बीच में वो गायब हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा रश था वहां पे. So he had to make up his mind quickly. तो वेलू को फटाफट अपना दिमाग चलाना था कि उसको उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे गायब हो रही थी, वो ज्यादा आगे चली गई थी. Alright, he decided anyway. I have no idea where to go. तो उसने डिसाइड कर लिया क्योंकि उसको पता नहीं है उसको कहाँ जाना है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसको कहाँ जाना है. He jumped up and ran after her. वो कूद गया, वो फटाफट से कूद के उसके पीछे भागने लगा. She wasn't even looking back to see where he was. उस लड़की ने इवन एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि वेलू कहाँ है. ठीक है, तो इट वॉज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. लाइक ये जो क्वेश्चंस हैं मैं बताती हूँ इनमें क्या करना है, और आप लोगों को इन्हीं पैराग्राफ्स के थ्रू इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. व्हाई? जब वेलू ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया था तो उस टाइम भी वेलू को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अभी भी ट्रेन में ही है, चलती हुई ट्रेन में ही बैठा, ऐसा क्यों लग रहा था? वॉबली जो वर्ड मैंने बताया था ना, रिमेम्बर? सो यू नीड टू फाइंड द आंसर फ्रॉम दैट पैराग्राफ. व्हाट मेड हिम फील माइजरेबल? क्या कौन सी चीज वेलू को नाखुश कर दिया, मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जो वेलू था बहुत ही माइजरेबल, बहुत ही दुखी फील कर रहा था? यू नो वेयर द आंसर इज. वेलू ट्रेवल विदाउट अ टिकट. वाई? वेलू बिना टिकट के ट्रेवल किया. क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? टिकट कलेक्टर्स की अटेंशन से वो कैसे बचा? टिकट कलेक्टर से वो कैसे बचा? आंसर बताया ना. वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? वेलू अपने घर से क्यों भाग गया था? वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल?
वेलू ने उस स्ट्रेंज लड़की को, अजनबी लड़की को फॉलो करना क्यों जरूरी समझा, क्यों डिसाइड करा कि उसको उस लड़की के पीछे जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अभी जो पढ़ाया उसी में से सारे आंसर्स हैं। सो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। लेट्स मूव ऑन पार्ट सेकंड। अब देखते हैं पार्ट सेकंड में क्या है। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। क्राउडेड मतलब भीड़ भड़कम वाली गलियों से वो उस लड़की को फॉलो कर रहा था, दोस्त को। बिहाइंड द बिल्डिंग्स देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पीछे एक बड़ा सा गार्बेज मतलब कचरा, कचरे का डिब्बा है, डस्टबिन है, ह्यूज डस्टबिन वी कैन से। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू सोचता है कि ये लोग यहाँ पे है ही क्यों, कूड़े के मैदान में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। He caught up with a girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped from any way. He caught up with a girl as she was leaving the station. लड़के ने स्टेशन छोड़ दिया था, वो आगे चल पड़ी थी, फिर वेलू उसके पीछे भागा, वेलू ने वेलू उसके साथ आ गया, ठीक है। फिर वो लोग जब रोड से जा रहे थे तो वेलू को वेलू देखते कि बहुत सारे व्हीकल्स हैं, वो इधर से उधर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, जो गाड़ियाँ हैं वो रुकी नहीं रही है बिल्कुल भी, चाहे वो बीच सड़क पे भी खड़ा हो जाएगा ना तो भी गाड़ी नहीं रुकेगी, ठीक है। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। इतनी सारी गाड़ियाँ इधर से उधर हो रही है, लोग भाग रहे हैं, इधर से उधर चल रहे हैं, तो इन सब भाग दौड़ी में बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही है, तो इस धूल मिट्टी की वजह से जो वेलू है उसका सर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उन लोगों को, वेलू और उसके फ्रेंड को, रुकना पड़ता था जगह बनाने के लिए कि कब जगह बने, कब थोड़ा सा गैप और कब हम वहाँ से निकल जाएँ। वेलू कैप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू वही, वेलू को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, लेकिन लड़की की तो आदत है ही, वेलू के लिए सब नया है, लड़की के लिए नया नहीं है, शी हैज़ बीन थ्रू दिस। तो लड़की ने उसको ड्रैग, उसको फटाफट से खींच के दूसरी साइड कर लिया। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ग्रेजिंग काउस? इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। वो लड़की उसको थोड़े गुस्से में बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ग्रेजिंग काउज मतलब गाय चरा रहे हो क्या, तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुम गाय चरा रहे हो। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर ऐसे सड़क के बीच में तुम खड़े रहोगे ना तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, चटनी से कोई भी कार से एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। तो ये चीज़ जो लड़की है वेलू को बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या यहाँ पे गाय वगैरह चला रहे हो, अगर तुम ऐसे रोड के बीच में खड़े रहे ना तुम्हारी चटनी बन जाएगी, ठीक है। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। हाउ हैड दे मैनेज कम टू थ्रो दैट, मतलब इतना सारा रश वगैरह देख के जो वेलू का जो दिल था वो बहुत तेज धड़क रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। जैसे ही जो उसकी फ्रेंड थी वो उसको ड्रैग करके खींच के लेके जा रही थी, वेलू बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि इतनी भीड़ भड़कम वाली जगह से हम एटलीस्ट हम बाहर कैसे आ गए, ठीक है। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम। फिर वो रोड के साइड में चलने लगे अंडर सम ह्यूज साइबोर्ड्स। ह्यूज साइबोर्ड्स जो बिलबोर्ड्स वगैरह होता है ना उनके नीचे नीचे वो चलने लगे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पैंस, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। तो जो होल्डिंग्स जो साइबोर्ड्स थे उनके ऊपर वेलू ने देखा कि बनियान वगैरह लग, बनियान की ड्राइंग है, टायर्स की ड्राइंग है, ठीक है, और पेंस है, और द वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, द राइटिंग वॉज स्टिल ऑन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा हुआ था तो उसको समझ में नहीं आया। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। द
गर्ल टर्न ऑन टू वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप. बहुत बड़ा सा ब्रिज था, तो वो जो लड़की थी वो उसके ऊपर चल पड़ी. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वेलू रुका और जो रेलिंग होती ना ब्रिज की साइड में, वहां से नीचे झांकने लगा. ठीक है, पीप मतलब झांकना. पीप मतलब होता है झांकना. ओवर द रेलिंग. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. ब्रिज के नीचे से जो रोड जा रही है वो सिटी की तरफ जा रही है. ब्रिज के वहां से वो मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख सकता है, वो बहुत बड़े टावर्स देख सकता है, वो रोड्स देख सकता है. वो बिल्डिंग पे जैसे सॉरी ब्रिज पर जैसे ही चढ़ा वो इधर उधर झांकने लगा, रेलिंग के नीचे झांकने लगा, ऊपर साइड में झांकने लगा. उसको बिल्डिंग्स दिख रही है, रोड्स दिख रही है विच आर रनिंग इनटू द सिटीज. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. एक बिल्डिंग है जहाँ चारों तरफ वॉल, मतलब जो जो लड़की थी ना वेलू को एक जेल की तरफ पॉइंट आउट करके बता रही थी कि ना तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रही है जिसके चारों तरफ दीवार है, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, अगर तुम बचोगे नहीं, तो तुम जल्द ही जेल के पीछे बार्स काउंट करोगे. जो जेल का जो गेट होता है ना, बार्स होते हैं, उनको काउंट करोगे. इट्स लाइक अ नीडियम. ओके, द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग. ग्रिंड मतलब मुस्कुराना, मतलब मजाक के वे में और मुस्कुराना. उस लड़की ने उसको छेड़ते हुए बोला कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे ना तो तुम जेल के पीछे बार्स काउंटिंग करने बैठ जाओगे, बार्स गिनने बैठ जाओगे. ठीक है, वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वेलू स्क्विंटेड मतलब वेलू इधर उधर देखने लगा. फिर उसने वो जो बिल्डिंग थी ना उसके ऊपर तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल. फिर वेलू ने वो रीड करा. Why I haven't done anything wrong? वैल्यू उसको बोलता है क्यों मैंने तो कुछ गलत करा ही नहीं है. You don't have to do anything, just don't get caught, that's all. तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस किसी के हाथ मत आना. ये चीज लड़की ने वैल्यू को बोली. What does she mean? वैल्यू wondered. मतलब उस ये कहने का मतलब क्या था उस लड़की का, वैल्यू ये चीज सोच रहा था. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with a sack on her shoulder. जब वो लड़की ब्रिज से उतर रही थी अपने कंधे पे वो बोरी लिए, व्हाट वाज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन. वेलू उसको बोलता है कि इसके अंदर है क्या. वेलू ने उसको ना प्लास्टिक कप्स उसमें डालते हुए देखा था. ठीक है, व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट. वेलू उसको बोलता है कि तुम इसमें क्या कैरी कर रहे हो. थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, कुछ चीजें, बॉटल्स या अखबार. ठीक है, वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस. वेलू सोच रहा था कि वो इन सब चीजों से क्या करेगी, लेकिन उसको शर्म भी आ रही थी ये चीज उससे पूछ उस लड़की से पूछने के लिए. इट वाज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड. सुबह हो रही थी लेकिन जो धूप जो सूरज था वो इतनी तेज गर्मी दे रहा था, इतना ज्यादा चमक रहा था. तार डाउन द तार मतलब जो वायर्स हैं उनके थ्रू सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा था और जो वैल्यू है उसके पैर जल रहे थे क्योंकि उसने पैरों में कोई कुछ भी पहने रखा था, उसके नंगे पैर थे और वो जल रहे थे. बेयर मतलब बेयरफीट मतलब विदाउट एनीथिंग, चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल नंगे पैर थे उसके. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड. ऐसा नहीं था कि वो मतलब वो जो चल ब्रिज जो था ना वो बहुत गर्म से, अब कॉन्क्रीट वगैरह के जो ब्रिजेस होते हैं यू नो हाउ मच हीट दे प्रोड्यूस. तो इट वॉज नॉट लाइक, ऐसा नहीं था कि वो किसी कीचड़ वाली रोड पे चल रहा था. ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट और उसको पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे, वो पूरा पसीने में हो गया था. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. उसने बहुत मशक्कत करी, बहुत कोशिश करी कि वो बस छाया में चले लड़की के साथ. ठीक है, जैसे मतलब छाया भी कम थी तो लड़की तो छाया में चल ही रही थी, अब उसको ज़्यादा स्पेस मिल नहीं रहा था, बट वो ट्राई कर रहा था थोड़ी थोड़ी उसको छाया मिल जाए तो. ठीक है, शी वॉक्ड रियली फास्ट. हाउ फार अवे वॉज द फूड. वो बहुत तेज दौड़ रही थी, वो बहुत तेज चल रही थी. खाना कितनी दूर था. आफ्टर ऑलमोस्ट
almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. एक घंटे चलने के बाद वो दोनों एक बिल्डिंग के, बहुत बड़ी बिल्डिंग के आगे रुक गए. श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपन मंडपम, ठीक है, ये है बिल्डिंग का नाम. बिल्डिंग के आगे क्या लिखा था सी? श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम. रीड वैल्यू, वैल्यू ने ये पढ़ा. अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयागन ब्राइड रानी. फिर ये जो लिखा हुआ था ना आगे, जो नाम लिखा हुआ था उसके वापस एक साइन भी बना हुआ था, फूलों से सजा हुआ नाम लिखा हुआ था, जो ग्रूम जेवी विनयागन और ब्राइड थी रानी. शादी हो रही थी उस बिल्डिंग में, तो आगे ना साइन लगा हुआ था, दुल्हा का नाम लिखा होता, दुल्हन का नाम लिखा होता, बहुत सुंदर फूलों में वो सजा हुआ था, ठीक है. वैल्यू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. बाहर पार्किंग में बहुत बड़ी बड़ी कार्स पार्क्ड थी, वैल्यू उनको घूर रहा था. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर्स गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट. एक कार के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूलों, गार्लैंड मतलब फूलों की माला. फूलों की माला, एक कार उसने देखी जो फूलों की माला से और काफी रोजेस से सजी हुई थी. द गर्ल लुक्ड अराउंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर. लड़की ने आसपास देखा, फटाफट से उसमें से एक फूल निकाल लिया और उसने अपने बालों पे लगा लिया. कम ऑन शी सेड, उसने बोला चलो. आर वी गोइंग टू वेट हियर, आस्क्ड वैल्यू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. वैल्यू को लगा कि वहां जो शादी हो रही थी ना वो वहां खाना खाने जा रहे हैं, तो वैल्यू ने उसको पूछा क्या हम यहाँ खाना खाएंगे. लुकिंग एट बहुत बड़े हॉल के सामने वो लोग, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे शादी हो रही थी, वैल्यू को लगा कि ये लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, ठीक है, और काफी लोग भी थे वहां पे. अब देखते हैं ये लोग खाना कहाँ खाते हैं. होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज. लड़की ने बोला काश, ठीक है. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश. फिर उस लड़की ने उस वेलू को वो पीछे की तरफ ले गई जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, गार्बेज हॉल जहाँ पे लोग सारा कचरा डालते हैं, ठीक है ना. बहुत बड़ा गार्बेज का बिन था, बहुत बड़ा डस्टबिन था और वो पूरा ओवरफ्लो हो रहा था कचरे से. टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ. दो बकरियां, हेरी दो बकरियां एक साथ खड़ी थी और बनाना की लीफ के लिए लड़ रही थी, ठीक है. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स. अब उनके पैरों में मक्खियां ही मक्खियां, देखो ना कितनी सारी मक्खियां, गार्बेज में बहुत ज्यादा मक्खियां होती है, कूड़ा कूड़ेदान जहां होगा मक्खियां ही मक्खियां भिन भिनाती रहती है, तो इन दोनों के पैरों में बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही थी. There was a rotten smell in the air. मतलब जो हवा थी ना बहुत सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, क्योंकि कचरा सड़ जाता है तो उसकी स्मेल बहुत गंदी आ रही थी. The girl picked up a squishy banana and held it onto Velu. लड़की ने एक सड़ा हुआ केला लिया और वेलू को दे दिया. Here is your food. लड़की उसको बोलती है ये रहा तुम्हारा खाना, सड़ा हुआ बनाना देके. Velu was shocked. Are we going to eat? Their leftovers. क्या हम लोगों का बचा हुआ झूठा खाना खाने वाले? Leftover मतलब बचा हुआ खाना, बचा हुआ. Value shocked हो गया कि क्या हम लोगों को झूठा खाएंगे, लोगों का बचा हुआ खाना खाएंगे. छी, what do you think I am? A dog. I only take untouched food. Value बोलता है छी तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ, एक कुत्ता, मैं सिर्फ बिना छुआ हुआ फूड एकदम फ्रेश फूड ही खाता हूँ. Here some more. Catch. फिर लड़की तो ध्यान नहीं दे रही थी, लड़की उसको बोली ये लो थोड़ा सा और उसने उसको वड़ा भी कैच करवा दिया. शी थ्रू हिम अ वड़ा. अब उसने बनाना दिया फिर उसने उसकी तरफ वड़ा फेंका. वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट. वैल्यू ने उन दोनों बनाना और वड़ा की तरफ बहुत गंदी शक्ल बना के देखा. डिस्टेस्ट मतलब जिसका कोई टेस्ट नहीं, मतलब अरुचि, बिना मन के उनको देखा, ठीक है.
Come on, hero, eat it. You think I like it? I told you I will find you something to eat. लड़की उसको बोलती है चलो यार इसको खा लो, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये चीज़ पसंद आती है? लेकिन ये चीज़ ये उनकी मजबूरी है. आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी. तुम ये मत समझना कि मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे से तुम्हें नई चीज़ खरीद के दूंगी. मैंने तुम्हें ये चीज़ बोली थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी और मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए ढूंढ दिया. जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे नहीं आते तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा. ये चीज़ लड़की उस लड़के को बोलती है. वैलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन. वैलू बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो गया था, वैलू को बहुत अजीब लग रहा था. बट भूख में इंसान पागल हो जाता है तो उसका जो पेट था ना वो बहुत ज़्यादा खाली हो चुका था, बहुत स्क्वीज हो रहा था उसको, मतलब कुछ खाना ही खाना था, बहुत भूख लगी थी उसको. ही गल्प्ड गल्प्ड मतलब बिना चबाए निगल जाना. स्वेलोड स्वेलोड मतलब निगलना. विदाउट च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना, बिना चबाए निकल जाना. फिर उसने क्या करा, ही गर्ल ऑन द बनाना एंड वड़ा. बिना चबाए उसने बनाना और वड़ा मुंह में डाल लिया और वो पेट के अंदर ले गया, निगल गया, ठीक है. ही स्टमक फेल्ट बेटर इमिजिएटली. फटाफट से उसको थोड़ा अच्छा रिलीफ मिला क्योंकि उसने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं था, तो जैसे उसके पेट में कुछ गया उसको बहुत रिलीफ मिला. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. वैलू को इतनी भूख लग रही थी कि जो उसने एक बनाना एक वड़ा खाया था ना, वो वैसे 10 बनाना और 10 वड़ा खा सकता था, लेकिन लड़की को सिर्फ अलग से एक बनाना और मिला और वो खुद खा गई. It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. अभी बहुत ज़्यादा सुबह हो रही है और उन्होंने सिर्फ अपना टिफिन ही खाया होगा. अगर तुमको और भूख लग रही है तो तुम लोगों के लंच खाने का वेट करो, ठीक है ना. You can wait it if you want. अगर तुम चाहो तो तुम वेट कर सकते हो. I have to work. मुझे काम करना है, मुझे काम पे जाना है, मुझे काम करना है और मैं काम पे जा रही हूँ. उसने वेलू ने उस लड़की ने वेलू को बोला कि अगर तुम्हें और ज़्यादा भूख लग रही है तो तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो कि कब लोग अपना लंच खाएं और जो लेफ्ट ओवर है जो बचा हुआ है वो यहाँ फेंकना है जो तुम उसको खा सको, लेकिन मुझे काम करना है तो मैं जा रही हूँ. शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इनटू हर सैक. उसने काफ़ी कचरे के ढेर से, हीप मतलब होता है ढेर, कचरे के ढेर से उसने कुछ बॉटल्स उठाई और अपने बोरे में डाल लिया. देन शी वॉक्ड ऑफ और फिर वो वहां से चली गई. वैलू पैनिक्ड. ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू. वैलू पैनिक हो गया. वैलू को डर लगने लगा कि अगर ये लड़की चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए नई जगह है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है. अगर ये चली गई तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ, ठीक है. It was better to stick to her. She seemed to know her away. Around he ran after her again. इससे अच्छा है कि मैं इस लड़की के साथ ही रहूं. लड़की वहां से चली गई थी तो लड़के ने फटाफट से ढूंढ के वो उसके पीछे भागने लगा. Hey, he called. He did not even know the girl's name. Hey, what's your name? He asked, hurrying behind her. तो वो फटाफट उस लड़की के पीछे भागने लगा. अब उसको उस लड़की का नाम पता नहीं था तो वो चिल्ला के बोला था, ए तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है. और वो ऐसे उसके पीछे पीछे भागते पीछे भागते भागते वो चिल्ला रहा था कि ये तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम. शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड. ओ हो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माय नेम. वो लड़की उसको बोलती है, अच्छा तो तुम मेरा बिना नाम जाने ही मुझको फॉलो कर रहे हो. फिर वो नाम उसको बता देती है, जया. माय नेम इज जया. आई एम नॉट फॉलोइंग यू. मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ. लड़की बोलती है, व्हाट देन, हु गॉट योर फूड. फिर क्या, तुम्हें खाना किसने दिया? अगर तुम मुझे फॉलो नहीं करो तुम्हें खाना किसने दिया, ठीक है. कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग. लड़का उसको बोलते है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो. कम इफ यू वॉन्ट, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन. अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, ये बैग फुल हो चुका है, अब मैं घर जाऊंगी और मुझे घर से दूसरा बैग लेना है.
ये चीज लड़की वेलू को बोलती है, ठीक है। तो वी आर डन विथ आवर पार्ट सेकेंड, ओके। कुछ क्वेश्चंस है, हैव अ लुक। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो? क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है, रीड कर सकता है? तुम कितना जानते हो, तुम कितने अच्छे से जानते हो, ये क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो पढ़ा उसमें हमने अभी तक यही चीज़ पढ़ी है कि वेलू अपने घर से भाग जाता है, ठीक है। वो चेन्नई के लिए निकल जाता है, वो चेन्नई पहुंच जाता है, वो अकेला होता है, उसके पास ना कुछ खाने के लिए होता है, ना उसके पास कुछ पैसे होते हैं। उसको एक लड़की मिलती है जो उसकी हेल्प करती है, जो उसको खाना ढूंढवाने में हेल्प करती है, ठीक है। सब कुछ वेलू के लिए नया है क्योंकि ही हैज़ नेवर बीन देयर बिफोर। और फिर जो लड़की है उसकी तो आदत है, ठीक है। फिर जो वैल्यू है उसको एटलीस्ट एक सहारा मिल जाता है उस लड़की का, अदरवाइज उसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ही हैज़ नो आइडिया। तो वही लड़की उसको हेल्प करती है, ठीक है। इतना हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग मार्क्स देयर, द गर्ल सेड। जब लड़की ने बोला था ना कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम जेल के पीछे चले जाओगे, तो वॉट इज शी रेफरिंग टू? लड़की का इस लाइन का मतलब क्या था, लड़की ने ये लाइन क्यों बोली? What does she mean when she says if you are not careful? She says something a little later which means the same. Find the sentence. By sentence, if you are careful, if you are not careful, you will soon be counting birds. ये इसकी last sentence. Third, where did the girl lead Velu? लड़की ने उस जो लड़की है ना, वो लड़की को कहाँ लेके गई? What did they get to eat? और उन्होंने उनको खाने के लिए क्या मिला? What work did she do? Think of one word answer. वो क्या काम करती है, एक वर्ड का आंसर बताओ, ठीक है। तो ये हमारे चार क्वेश्चंस हैं, सेकंड पार्ट के चार क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट पार्ट के भी हमारे क्वेश्चंस थे। दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर्स इतनी पैराग्राफ में मिल जाएंगे और आपको करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।